सुशांत की आयु 22 वर्ष थी। उसी समय कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, खास तौर पर नौकरी, कैरियर, सामाजिक संबंधों को बनाए रखना, उसकी अपनी स्वयं की इच्छाएं, उसके प्रेम संबंध, विवाह की टेंशन। मानसिक रूप से विचलित सुशांत बेरोजगारी का भी शिकार बन चुका था और भविष्य के प्रति अनिश्चितता ने उसे परेशान कर दिया था। व्यवहारिक रूप से अपरिपक्व होना भी कई बार कई अन्य तरीके की समस्याओं को आमंत्रित कर लेता है। इन सब के फलस्वरूप सुशांत डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इत्यादि से पीड़ित होने के लिए प्रोन हो चुका था, यानी कि उसकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में सुशांत राजपूत की आत्महत्या की घटना ने पुनः सबका ध्यान मानसिक स्वास्थ्य पर ला दिया है। हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो जागरूक है ही नहीं, और अब बात मानसिक स्वास्थ्य के जागरूकता के बारे में होने लगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के बिना हम शारीरिक स्वास्थ्य की कल्पना या स्वास्थ्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। आज के युग में यदि आप मानसिक स्वास्थ्य हेतु किसी प्रकार का सहयोग लेना चाहेंगे तो आपको एक शर्म रहती है कि कहीं लोग आपको पागल तो नहीं समझेंगे। आधुनिक जीवन शैली, दौड़ भाग भरे जीवन के कारण बढ़ता तनाव, पारिवारिक उलझने, अकेलापन, हमारी महत्वाकांक्षाएं और जीवन में मिल रहे फेलियर आदि के कारणों से लोग मानसिक विकारों की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का अभाव भी यह संख्या बढ़ाने में अहम भूमिका निभा। हमारे गगनचुंबी सपने और उन्हें पूरा करने के लिए अंधी दौड़ में दौड़ते हम, ऐसे में हम तेजी से मानसिक रोगों की चपेट में आते जा रहे हैं। आंकड़ों पर ध्यान दें तो देश में लगभग 30 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं, और खास बात यह है कि इन लोगों को पता भी नहीं कि वे मानसिक रोगों से ग्रसित हैं। बहुत कम लोग ही मानसिक रोगों के विषय में जानते हैं, और आंकड़े ये कहते हैं कि प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से एक किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोग से ग्रसित है। तनाव के कारक जैसे फाइनेंशियल लॉस, प्रेम संबंधों में कमी, पारस्परिक संबंधों में परेशानियां भी इसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी का तनाव, उलझन हमारी ससेप्टिबिलिटी को और बढ़ा देती है। कभी कभी एक दुर्घटना भी व्यक्ति को मानसिक रोग की गिरफ्त में ला देती है। इस बीमारी में लोगों के कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। क्या आपने अपने आसपास या अपने परिवार में ऐसे लोगों को देखा है जिनके कानों में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई पड़ती हों, जो या समाज से कटे हों, एकांत में रहना पसंद करते हों, जिन्हें अकारण अत्यधिक क्रोध आ जाता है, अकारण वो शक किया करते हैं, उन्हें किसी न किसी चीज का वहम होता रहता है, उन्हें डर लगता है कि कहीं किसी ने उनके खाने में जहर तो नहीं मिला दिया है, उन्हें डर लगता है कि कहीं लोग उनके विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं रच रहे। वो बार बार हाथ धुलते हैं, वो बार बार साफ सफाई करते हैं, ताला बंद करते हैं, फिर उसे बार बार चेक करते हैं कि ताला बंद है या नहीं। ऐसे लोग भयभीत रहते हैं, सशंकित रहते हैं। ऐसे लोग या आपके पास ऐसे लोग हों जिन्हें लगता हो कि लोग उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें मारना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लगता है कि कोई अलौकिक शक्ति उन्हें संदेश दे रही है, उनसे कुछ कह रही है। वो बिना कारण ही एकाएक उत्तेजित हो उठते हैं, क्रोधित हो उठते हैं, और फिर अगले ही पल बिल्कुल शांत। इनको ऐसा लगता है कि लोगों ने उनके भोजन और पानी में जहर मिला दिया है, और कई स्थितियों में वो लोग अपना खाना पीना भी त्याग देते हैं। उन्हें यहां तक लगता है कि उनके अपने पारिवारिक जन, उनके इष्ट मित्र भी उनके दुश्मन हैं। क्या आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है? तंबाकू का उपयोग, शराब का उपयोग, मादक पदार्थों का उपयोग, ड्रग्स इत्यादि का उपयोग यह प्रवृत्ति बढ़ाने में सहयोगी होता है।
कई बार देखा गया है नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों में ये प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आत्महत्या का विचार आना एक असामान्य स्थिति है। साधारणतः व्यक्ति जब सीवियर डिप्रेशन से ग्रसित होता है तो उसे ऐसे विचार आते हैं। इसका उपचार संभव है। सिंपल काउंसलिंग से इसको उपचारित किया जा सकता है। प्रशिक्षित काउंसलर्स या साइकेट्रिस्ट के पास जाकर इसका उपचार आसानी से कराया जा सकता है। कई बार मात्र काउंसलिंग से ही ऐसी स्थितियों में अधिक सुधार पाया गया है। काउंसलिंग एवं आवश्यकता अनुसार औषधियों के प्रयोग से इसका 100% उपचार किया जा सकता है। इसका मात्र एक कारण है परिस्थितियों से सामंजस्य ना बिठा पाना, कोप अप विधि को ना अपना पाना। आत्महत्या के पूर्व व्यक्ति कुछ संदेश अवश्य देता है जिन्हें हम सामान्यतः इग्नोर कर देते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है जैसे वो आशाहीन हो गया हो, चारों तरफ से फंस गया हो। तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन वो एकाएक बढ़ा देता है। दिनचर्या में उसके भयंकर बदलाव आने लगते हैं। खाना, पीना, सोना, सारा पैटर्न चेंज हो जाता है। वो अपने सामाजिक संपर्कों से दूर रहने लगता है और अकेलापन उसे रास आने लगता है। वो गुमसुम सा रहने लगता है। बार बार मूड का बदल जाना, जैसे कि एक बार वो खूब उत्तेजित हो जाएगा और अगले ही पल बिल्कुल निराशा में डूबा हुआ। मृत्यु अथवा हिंसा के भय से पीड़ित रहने लगेगा। अपने प्रिय लोगों से ऐसे अलविदा कहेगा जैसे दोबारा फिर मिलना ही ना हो। व्यक्ति में त्वरित परिवर्तन आने लगते हैं। यदि आप अपने आसपास किसी व्यक्ति में ऐसे परिवर्तन देख रहे हो तो उसे बोलें कि वो अपने जनपद के जिला चिकित्सालय से संपर्क करें। मानसिक विकारों का उपचार संभव है। यदि हम गौर करें और ध्यान दें तो हम देखेंगे कि हम आत्महत्या को रोक सकते हैं। कैसे? आत्महत्या की मन स्थिति वाले व्यक्ति कुछ चाहते हैं, हमें वो समझना पड़ेगा। और यदि हमने उनकी चाहत को पूरा कर दिया तो विश्वास मानिए, हम उन्हें आत्महत्या करने से रोक सकते हैं। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति चाहता है कि कोई हो जो उनकी बात को सुने, कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में समय निकालकर उनकी बात सुने, ऐसा कोई व्यक्ति जो निर्णय, सलाह और अपनी राय ना दे, बस उन्हें सुने, कोई ऐसा व्यक्ति जिन पर वो विश्वास कर सके, जो उनकी बात सुने, उन पे हावी होने की कोशिश ना करे, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी बात को गुप्त रखे, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी परवाह करे, उन पर ध्यान दे, स्वयं उपलब्ध रहे उनके लिए, उन्हें मानसिक शांति दे, जो कहे कि हां मैं परवाह करता हूं। आत्महत्या की मन स्थिति वाले व्यक्ति कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो वो नहीं चाहते कि कोई करे। जैसे हम जबरन उनकी बात ना सुनते हुए बीच बीच में रायचंद बनते हुए अपनी राय उन्हें देने लगते हैं, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। वो अकेला रहना भी नहीं पसंद करते। तिरस्कार से समस्याएं 10 गुना तक बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति वाले लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनकी समस्या को समाप्त कर दे, उन्हें सुने, उनका तिरस्कार ना करे। ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार की सलाह नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की भाषणबाजी, मदद, ये सब उन्हें बिल्कुल भी नहीं भाता है। खुश रहो, सब सही हो जाएगा, ऐसे विश्लेषण, तुलना या वर्गीकरण अथवा आलोचना उनकी समस्याओं को और बढ़ा देती है। वो बस एक चीज चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने। किसी भी प्रकार का प्रश्न करना उन्हें नहीं पसंद होता कि आप उनसे किसी भी प्रकार का प्रश्न करें। वो तो बस ये चाहते हैं कि आप बस उन्हें सुने। उनको आपकी दया, कृपा ये सब नहीं चाहिए, उन्हें बस एक चीज चाहिए कि आप उन्हें सुने। आइए अब बात करते हैं कुछ तथ्यों पर। आत्महत्या करने वाले 15-40% लोग सुसाइड नोट छोड़ते हैं। आत्महत्या के व्यवहारों के लिए जेनेटिक्स रिस्पॉन्सिबल होती है। करीब 38-55% तक जेनेटिक केसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
बुजुर्ग योद्धाओं में आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले आत्महत्या के लिए प्रोन हो जाते हैं। तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी खाने वालों में, पीने वालों में यह खतरा और बढ़ जाता है। आत्महत्या करने से पूर्व अधिकतर लोगों द्वारा किसी न किसी प्रकार का नशा किया गया है। कुछ शोध पत्रों द्वारा यह भी साबित किया गया है कि जिन देशों में शराबों की दुकान ज्यादा है, लोग शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, वहां आत्महत्या की दर भी ज्यादा है। हेरोइन का प्रयोग करने वालों में यह दर बढ़ जाती है। कई मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे कि जीवन में आनंद की कमी, निराशा, अवसाद, व्यग्रता आदि। समस्याओं को हल करने की क्षमता की कमी, आवेग पर नियंत्रण की कमी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ बेरोजगार युवकों को ऐसा लगता है कि वह परिवार पर बोझ बन गए हैं। ऐसी स्थिति में वह आत्महत्या जैसा निर्णय ले लेते हैं। हाल ही के जीवन में घटी कोई घटना जिसकी वजह से व्यक्ति में सीवियर तनाव हो गया हो, डिप्रेशन हो गया हो, कारण बन सकता है आत्महत्या का, जैसे कि किसी की मृत्यु या नौकरी का चला जाना। अविवाहित लोग अकेले रहने के कारण भी कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं। बचपन में हुआ यौन शोषण, बलात्कार इत्यादि आत्महत्या के कारण बन सकते हैं। आध्यात्मिक लोगों में आत्महत्या की दर ना के बराबर होती है, उनमें यह आवृत्ति, ये वृत्ति नहीं देखी जाती है। शोध में खुलासा हुआ है कि बच्चों में आत्महत्या का कारण परिवार और स्कूल का दबाव होता है। आइए कुछ विशेषज्ञों की राय पर चर्चा करते हैं। लखनऊ के एक वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ के अनुसार आत्महत्या के बड़े कारणों में मानसिक दबाव, मानसिक रोग एवं पारिवारिक झगड़े हैं। कोई भी एकाएक आत्महत्या का निर्णय नहीं ले लेता। अधिकतर युवा तो बकायदे इसकी प्लानिंग भी करते हैं। कभी कभी वो कुछ शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग शुरू कर देते हैं, जैसे अब कभी नहीं आऊंगा, अब मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा, अब मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अधिकतर युवा आत्महत्या इतनी छोटी सी बात पर कर लेते हैं जिन्हें बात करके भी हल किया जा सकता था, जिसे सुधारा जा सकता था, जिसे सही किया जा सकता था। अभिभावक बच्चों से यदि बातचीत करें, उनसे दिनचर्या के विषय में पूछें, तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। युवा अवस्था में भावनाओं के आवेशों पर नियंत्रण ना होना भी इसका एक कारण है। माता पिता सभी बच्चों को एक तराजू में रखकर ना तोले। विश्वास करें, ईश्वर ने सबको यूनिक बनाया है। सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं, सब एक जैसे नहीं है। परीक्षाओं का तनाव, गरीबी, बेरोजगारी, फाइनेंशियल लॉस, नशे की लत, प्रेम में निराशा, हमारी महत्वाकांक्षाएं और उनका पूरा ना होना आत्महत्या का प्रमुख कारण बन चुके हैं। महानगरों में आए दिन परेशानियों से हार मानकर युवक आत्महत्या कर लेते हैं, और इनमें से ज्यादातर 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। मनोचिकित्सकों का कहना है कि सुसाइड करने वाले अक्सर कुछ ना कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिन्हें अगर समय रहते समझ लिया जाए तो उन्हें सुसाइड करने से रोका जा सकता है। मनोरोग विशेषज्ञों के अनुसार जिस वक्त व्यक्ति के मन में आत्महत्या का विचार चल रहा होता है, तो उस दौरान व्यक्ति के अंदर मरने की ख्वाहिश के साथ साथ जीने की भी इच्छा होती है। इसी के चलते 90% से अधिक मामलों में व्यक्ति ने दोस्त, माँ बाप, रिश्तेदार व किसी करीबी के समक्ष एक दिन, दो दिन या सप्ताह अथवा माह भर पूर्व आत्महत्या की बात को जरूर प्रकट किया होता है। नासमझी के कारण हम इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते और टाल देते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि कोई आशावादी, खुश मिजाज, सकारात्मक सोच और प्रतिभावान व्यक्ति एकाएक चुप सा रहने लगे, बात बात पर गुस्सा करने लगे, हताशा और निराशा भरी बातें करने लगे, बुरे विचार प्रकट करने लगे, मौत के बारे में सोचने लगे, खुद को कोसता रहे, निरंतर अनिद्रा की शिकायत करे, वो जीवन बोझ लगने की बातें करे, वो आत्मविश्वास में कमी की बातें करे, एकाएक उसने मादक पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दिया हो अथवा बढ़ा दिया हो, यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति या आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा त्वरित बदलाव ला रहा हो अपने अंदर, तो बिल्कुल भी अनदेखा ना करें।
परिवार के सहारे बड़ी बड़ी मुसीबतों को चुटकी में हराया जा सकता है, पार किया जा सकता है। रिश्तों में गर्माहट और प्रेम व्यवहार से हम बड़े से बड़े समस्याओं का भी समाधान कर लेते हैं, उसी प्रकार आत्महत्या की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। सोशल आइसोलेशन एक बहुत बड़ा हिंट होता है ये जानने के लिए कि व्यक्ति में भीषण परिवर्तन आ रहा है। इंसान सुसाइड तभी करता है जब वह बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होता है, उसको मानसिक रूप से काफी पीड़ा होती है। सुसाइड करने वाला इंसान हमेशा अपने परिचितों में से 3-4 लोगों से बात करता है कि उसे अब जीने का मन नहीं हो रहा है। ऐसे व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट को क्लियर करते हैं, उन रिश्तेदारों से मिलते हैं जिनसे वो सालों से ना मिले हों, और घर में वो चुप हो जाते हैं, सोसाइटी से वो कट जाते हैं। इसे सोशल आइसोलेशन कहा जाता है। जब व्यक्ति सोशल आइसोलेशन में आ जाए तो यह टाइम परिवार के लिए एक अलर्ट का टाइम होता है। इस तरह के व्यक्ति के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। इंसान सुसाइड जैसा बड़ा कदम तभी उठाता है जब उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आती, उसे अंदर ही अंदर काफी तकलीफ काफी पीड़ा हो। हालांकि ऐसा व्यक्ति लगातार हिंट या वार्निंग साइन भी देता रहता है, जैसा कि वह अचानक सबसे अलग रहने लगता है, नेगेटिव बातें करता है, परिवार व सोसाइटी से दूरी बना लेता है, बातों बातों में मरने की बात करता है। यदि कोई व्यक्ति सुसाइड की बात कर रहा हो तो उसे लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। वह बात करके मदद मांगने की कोशिश कर रहा होता है, और यदि उस समय व्यक्ति की बात सुन ली जाए तो विश्वास मानिए हम व्यक्ति को सुसाइड करने से रोक सकते हैं। जब भी कोई हताशा भरी बातें करे तो उसे लाइटली कभी न ले, उसे गंभीरता से सुने। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम शांत रहकर उनकी बातें सुने। जो लोग आत्महत्या के बारे में सोचते हैं उन्हें जवाब या समाधान नहीं चाहिए, उन्हें अपने भय चिंताएं व्यक्त करने के लिए चाहिए तो एक सुरक्षित स्थान, एक ऐसा विश्वास पात्र व्यक्ति जो उनकी बातें सुने और उन्हें गुप्त रखे। वास्तव में सुनना आसान नहीं है। हमें आदत होती है कुछ कहने की, टिप्पणी करने की, बातें जोड़ने की, सलाह देने की, हम सब रायचंद जो ठहरे, बट हमें क्या करना है, हमें सुनना है। हमें केवल उन तथ्यों को ही नहीं सुनना है जो वो बताना चाह रहे हैं, बल्कि उसके पीछे छुपे भावनाओं को भी समझना है। हमें उनके दृष्टिकोण से चीजों को देखना है, अपने दृष्टिकोण से नहीं। मानसिक रोगियों के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द पागल, ये निहायत ही बेकार शब्द है, इसका प्रयोग कभी ना करें। मरीज का मजाक ना उड़ाए, रोगियों का मजाक ना उड़ाए, बल्कि उनका उत्साह वर्धन करें, उनके अंदर पॉजिटिव थॉट्स भरें। पॉजिटिविटी बढ़ती है तो ऐसे रोग स्वतः ठीक होने लगते हैं, क्योंकि मानसिक बीमारियों का इलाज लंबा चलता है। अतः कभी भी अपने मन से इसकी दवाएं नहीं बंद करनी चाहिए, हमेशा चिकित्सक की सलाह से ही दवाएं बंद करें। यदि मरीज सही से दवा नहीं लेता तो इसके दुष्परिणाम भी आ जाते हैं। आत्महत्या करने वाले या सोच रखने वाले व्यक्ति को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से माना जाता है कि जब शरीर में रज तम और सत गुण का बैलेंस बिगड़ जाता है तो इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। सुख दुख जीवन का एक अंग है, जिस प्रकार सुबह के बाद अंधेरा और अंधेरे के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार सुख और दुख जीवन के ही अंग है। परंतु जब आपकी या हमारी ऋणात्मक ऊर्जा धनात्मक ऊर्जा से बढ़ जाती है, जब हमारा डिस्ट्रक्टिव माइंड हमारे कंस्ट्रक्टिव माइंड पर हावी हो जाता है तो इस प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा और दिल से, सच्चे दिल से इसका जवाब ढूंढिएगा कि इसका जवाब हां है या ना। क्या अधिकतर आप बिना कारण किसी कार्य को एकाग्रता से करने में असक्षम रहते हैं? क्या अकारण आप अक्सर को दुखी रहते हैं? क्या अधिकतर आपको बहुत जोरों का गुस्सा आता है? क्या आप अनिद्रा के शिकार बन चुके हैं? क्या एकाएक आप उत्तेजित होते हैं और फिर अगले ही पल निराशा से भर जाते हैं?
क्या आपको लोगों का साथ नहीं पसंद? अकेलापन ही आपको रास आता है? क्या अक्सर को आप बच्चों को डांटते रहते हैं? बच्चों के साथ खेलना आपको नहीं पसंद है? क्या अक्सर को आप गुस्से में रहते हैं या चिड़चिड़ापन सा अनुभव करते हैं? क्या बिना किसी वास्तविक कारण आप डरे डरे से रहते हैं? क्या आपको लगता है कि सदैव आप ही सही हैं और सामने वाला गलत? क्या आपको कुछ ऐसे शारीरिक समस्याएं हैं जिनका उपचार चिकित्सक के पास नहीं मिलता? यदि इनके उत्तर हाँ, यदि इन प्रश्नों के जवाब हाँ में हैं, तो आप अपने जनपद के जिला चिकित्सालय जाएं और वहां स्थापित मन कक्ष में अपनी काउंसलिंग कराएं। हर जिला चिकित्सालय में मन कक्ष की स्थापना हो चुकी है और वहां पे प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा आपका निःशुल्क उपचार संभव है। इसलिए हर प्रकार की भय, शंका, लज्जा छोड़िए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़िए। हमारा आपका जीवन बहुमूल्य है। अपने भीतर की धनात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि आप एक छोटा सा व्यायाम करें। किसी शांत जगह और सुविधाजनक जगह पर लेट जाएं, आंखें बंद करें, सांसें लें लंबी और गहरी। 10 सेकंड बाद उसे अपने ध्यान को अपनी सांसों की लय पर केंद्रित कर लें। उसके बाद उसे नाक से धीमे, नियमित और स्थिर सांसें लेने पर ध्यान केंद्रित करें। रिलैक्सेशन टेक्निक सीखें और करें भी। पारिवारिक लोगों के साथ समय बिताएं, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलें, ये बहुत ही कारगर उपाय है। स्मरण रहे, ईश्वर सदैव आपके साथ है। दोस्तों से मिलें। तुलसीदास जी का वो फेमस भजन तो आपने सुना होगा, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। प्रसन्न रहें, अपनों से बातें करें, बातें साझा करें। ईश्वर ने यह अमूल्य जीवन हमें दिया है, इसे बर्बाद ना करें। अभी हाल ही में कल्याण में एक बहुत अच्छा लेख लिखा है, निकला है, दो लाइनें मैं आपसे साझा करता हूं। जैसे कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता है, रात्रि के बाद दिन आता है, आंधी का अंधेरा कटकर फिर उजाला होता है, वैसे ही दुख का समय समाप्त होकर फिर सुख का समय आएगा। निराशा की रात्रि बीत कर फिर सुंदर आशा का प्रभात होगा। किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप भी नहीं घबराएंगे। नर हो ना निराश करो मन को। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चर्चा पर। तब तक के लिए नमस्कार।